वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का दूसरा भाग। कल हमने जो है पहला भाग अपलोड कर दिया है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो वीडियो को शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक खंभे का उन्नयन कोण समतल जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री दिखाई देता है। मान लीजिए एक खंभा हम बनाते हैं, एक खंभा ये हो गया खंभा। अब क्या कह रहा है कि जमीन के एक बिंदु से 15 डिग्री, मतलब कि जमीन का बिंदु ये है और इससे जो बना रहा है 15 डिग्री। अब ये हो गया इसका क्षैतिज रेखा। क्या कह रहा है कि खंभे की ओर 10 मीटर चलने पर, यानी एक खंभा की ओर चल रहा है, यानी इधर से जो है इधर की ओर जा रहा है, जब यहाँ पहुँचा है तो ये हो गया 10। अब ये जब 10 मीटर चलने पर जो है उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री, तब यहाँ हो गया इसका 30 डिग्री। तब क्या है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये हो गया हमारा कितना 10 मीटर और ये है खंभे की ऊंचाई और ये हो गया कितना 15 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कोण 30 से, यहाँ जो है 30 डिग्री से। तो हमने क्या बताया था कि अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा दिया हुआ एच, तो ये तो 60 हो गया ऊपर वाला और ये तो 90 है ही, तो 60 वक्र के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, √3H हो जाएगा, उसका √3 गुना होता है, यानी √3H हो गया। अब ये पूरी कितनी होगी, पूरी हो गई 3√3H + 10, ये हो गया पूरा लंबाई इसका। अब चलेंगे, अब ये तो हमारा कोण 30 से हमने जो निकाल दिया। अब जो है 10, अब क्या करेंगे 15, और 15 डिग्री का जो है कैसे हम पुट करेंगे। अब 10 15 के लिए हम इसको हम क्या करेंगे, ऊंचाई निकालने के लिए अब यहाँ लंब है और ये आधार है, तो इसके लिए हम 10 लागू करेंगे, यानी 10 15 बराबर लंब बटा आधार। लंब है कितना इंच और आधार कितना, आधार तो ये 15 डिग्री के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तो पूरा हो जाएगा, यानी पूरा √3H + 10 कितना हो जाएगा √3H + 10। अब आपको जो है 10 15 का मान मालूम होगा कितना होता है, अगर मालूम नहीं है तो आप 10 45 - 30 करके निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली जो हम लिख देते हैं, इसका मान होता है √3 - 1 / √3 + 1 और बराबर में कर देंगे √3H + 10। अब इसी से हम जब एच का मान हमारा मालूम हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो ये √3 में अगर हम 3H से करते हैं तो डायरेक्टली ये √3 हट जाएगा, ये आ जाएगा 3H। अब √3 में हम 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना +10√3, अब ये हो गया। अब -1 में हम करेंगे √3H से तो -√3H हो जाएगा और ये हो जाएगा -10। अब इधर वाला गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3H और प्लस में हो जाएगा क्या एच। अब यही जो है एच वालों को एक जगह कर देंगे, तो इसको नेक्स्ट पेज में जो है एक जगह करते हैं। क्या था पहले 3H है ना, तो 3H पहले लिखते हैं, 3H हो गया। अब उसके बाद 3H लिख दिया, अब ये क्या है -√3H, इसको भी एक जगह लिखेंगे -√3H।
ये भी एक जगह हो गया। अब उसके बाद ये जो है ये √3h है, इधर आएगा तो ये भी तो माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में आ गया √3h। अब और भी कुछ बचा तो एक aH है, aH जो है इधर जब आएगा लेफ्ट हैंड की तरफ तब -h हो जाएगा, यानी ये हो गया -h। अब बराबर बराबर में बचा क्या, कुछ नहीं, तो ये 10 को हम इधर ले जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, और 10 का एक और है यहाँ पे, ये है √3, इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड की तरफ तो माइनस में हो जाएगा, यानी 10 -10√3। अब इसी का जो है हम सॉल्यूशन कर देंगे तो हमारा राइट आंसर जो है आ जाएगा। अब ये जो है 3h 3h 2 है तो इसको हम डायरेक्टली लिख दें, और ये कट जाएगा 3h - h कितना हो जाएगा 2h, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2h लिख देंगे, और माइनस ये -√3h और -√3h ये हो जाएगा -2√3h, और बराबर ये 10 है, 10 बाहर निकाल देते हैं तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा √3। अब यहाँ पे भी कॉमन आएगा किसका, 2 का, 2h का, अगर 2h हम कॉमन लेते हैं तो बाकी 1 बच जाएगा यहाँ, और यहाँ 2h तो हमने पहले ही, h यहाँ है और 2 यहाँ है, तो बाकी बच गया √3, और बराबर में हो जाएगा कितना 10 * 1 - √3। अब आप जो है ये 1 - √3 और 1 - √3 कट गए, यानी 2h बराबर कितना है 10, तो h बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया 5 मीटर, ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाश गृह की चोटी से जो है दो जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री तथा 30 डिग्री के हैं, यदि दोनों जहाज 200 मीटर की दूर पर हों तो प्रकाश गृह की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो है ऊपर वाला यहाँ पे ये हो गया प्रकाश गृह की चोटी हो गया, यहाँ से दो जहाजों का अवनमन कोण, यानी एक यहाँ और दूसरा यहाँ, अवनमन कोण यानी नीचे की तरफ, और ये हो गया प्रकाश गृह की ऊंचाई। अब इसको आप ऐसे कर दें और इसको और थोड़ा इधर खींच देंगे और इसको खींच देंगे। अब क्या कह रहा है कि अवनमन कोण 31 है, तो ये 30 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45, तो क्या करें, दोनों जहाज की जो दूरी है 200 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, एक जहाज यहाँ है और एक जहाज यहाँ है, दोनों के बीच की दूरी कितना है 200 मीटर है, तो ये हमने लिख दिया 200 मीटर। और यहाँ ध्यान में रखें कि ये जो है कोण का मान बढ़ता जाता है, यानी ये 30 है तो यहाँ 45 हो जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ जो है 90 हो जाता है। अब हमें गृह प्रकाश गृह की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी इसको मालूम करना, ये हमारा एच है, तो अगर हम 45 डिग्री से चलते हैं तो आपको हमने क्या बताया था कि अगर 45 डिग्री के सामने की भुजा एच हो तो ये भी तो 45 ही है, तभी तो 45 45 90, और ये तो 90 है, 180 हो जाएगा, हम केवल बात कर रहे हैं ये जो है 45 डिग्री वाली कोण की, तो ये जो है अगर ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, और पूरा की बात करें तो पूरा क्या हो जाएगा, अगर ये एच है और इधर 200 है तो ये एच +200 हो जाएगा, तो यहाँ तक जो है समझ में आ गया, और ये आया है कोण 45 से। अब बात करेंगे कोण 30 से, यानी 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, अगर ये उसके सामने की भुजा एच है तो अगर ये 30 है या और ये 90 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा 60 हो जाएगा, और पूरा 60 के सामने वाली भुजा क्या होती है, अगर ये एच है तो 60 के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है √3h हो जाती है,
यानी ये पूरा जो है किसके बराबर हो जाएगा, रूट थ्री एच के, और यही रूट थ्री एच का मान हमें दिया हुआ है एच प्लस 200। बस यही जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और एच का मान निकाल देंगे। अब यहाँ करना क्या है, अब एच एच जो है दोनों को एक जगह कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट थ्री एच माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा 200। अब जो है क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे, तब ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 200। तब एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर इसको नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं, एच बराबर हो जाएगा 200 बट्टा में क्या है, तो रूट थ्री माइनस वन। अब इसका जो है परिमेयकरण कर देंगे, यानी ऊपर जाएगा तो ये रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा, और नीचे भी ये हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन। अब इसको गुना करेंगे तो ये तो 200, और इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं रूट थ्री प्लस वन, और ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले पे पुट हो रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो तीन और एक का स्क्वायर एक, यानी तीन में से एक गया तो आएगा कितना 2। अब ये कट जाएगा 100 मरतबे, अब डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 100। अब रूट थ्री का मान आपको मालूम होगा 1.3732 आता है, और प्लस में है 1। अब ये 100 गुना, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2.732। अब इसको तो आप 100 से गुना कर ही सकते हैं, तो डायरेक्टली कितना आंसर आ जाएगा 273.2। ये हमारा जो है क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है लगभग, जो ये आ जाएगा 273 मीटर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग में, यानी 273.2 आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि एक बिंदु पी से एक टावर के शिखर पर तुंगता कोण 60 डिग्री है। पी से एक टावर के शिखर पर पी से जो एक टावर के शिखर पर तुंगता कोण 60 डिग्री है, मतलब ये टावर है, हमने टावर बना दिया। अब इसके शिखर से क्या बना, तुंगता कोण यानी अवनमन कोण, यहाँ पे कितना 60 डिग्री बना है, और ये क्षैतिज रेखा हो गया। सॉरी अभी इसको देख लेते हैं, अभी और क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि चलिए हम क्षैतिज रेखा बना ही देते हैं, चलिए हमारा हो गया क्षैतिज रेखा, और ये हमारा बिंदु पी है यहाँ पे, और P से अभिलंब 40 मीटर एक बिंदु ऊपर 45 डिग्री है, यानी ये ऊपर है, यही है P से बिंदु, और ये 40 मीटर है, और ये जो डिग्री बना रहा है ये बना रहा है 45 डिग्री, और इसका क्षैतिज रेखा हो गया ये। अब यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं, यही है ना P बिंदु, यही है, और यहीं से क्या कह रहे हैं 60 डिग्री का जो है तुंगता कोण बना रहा है, और पी से अभिलंबी है यानी ये अभिलंब हो गया, और कितना है 40 मीटर ये दूरी दिया हुआ है। और अब क्या कह रहा है कि जब 40 मीटर बिंदु ऊपर 45 डिग्री, यानी ये जो डिग्री है कितना है 45, और ये नीचे वाला कितना है ये 60, पहले ही बताया गया है 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, जब ये 40 है तो इधर भी ये 40 हो जाएगा, बाकी रह गया ये, तो इसको हम h मान लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, चलिए x हमने मान लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कोण 45 से, अगर 45 के सामने की भुजा x है तो ये भी तो 45 हो जाएगा, अगर ऊपर वाले त्रिभुज की बात किया जाए, अगर ये हम 45 है तो ये भी पूरा 45 से होगा, और ये 90 दिया हुआ है तो ये भी x हो जाएगा, नीचे वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा, जब ये ऊपर वाला x है तो ये नीचे वाला भी x हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो मालूम हो गया, अब 60 से चलते हैं।
अगर ये 60 है तो ये कितना है, 90 है, और ये ऊपर वाला इसका जो है कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा एक्स है, 30 डिग्री के सामने की भुजा एक्स है, तो ये 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, √3x। और यही √3x किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरी लंबाई यानी x प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये पहले से ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, x दोनों में x है तो ये x बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। अब x बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 40 बटा √3 - 1। पर हमें निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। यहाँ x तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लेगा, पर पूरी टावर की ऊंचाई 40 मीटर, और इधर दिया हुआ है तो 40 मीटर और इसमें जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमारा राइट आंसर आएगा वही जो है। हम इसको राइट आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसका हम परिमेयकरण कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में परिमेयकरण करते हैं। कितना था, 40 बटा √3 - 1, और इसको परिमेयकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 और +1 बटा कितना, √3 + 1, और प्लस में 40 दिया हुआ था। या इसको हम बिना परिमेयकरण के भी डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। डायरेक्टली कैसे निकलेगा, ये 40 हो गया और ये मिटा देते हैं। अब इसको एलसीएम निकाल देंगे तो ये नीचे 1 हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √3 - 1। अब जो ये आ जाएगा तो ये तो 40 के 40 ही रहेगा, फिर प्लस, अब ये 1 है तो गुना करेंगे तो 40√3 और -40 हो जाएगा। अब ये 40 40 कट जाएगा। अब परिमेयकरण करेंगे यानी 40√3 - 1। अब इसको परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा √3 + 1, और इधर भी √3 + कितना 1। अब ये कितना, 40√3, इसको पहले बाहर निकाल देते हैं, और ये √3 + 1 ये जो है ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ये a + b * a - b पे लागू हो रहा है तो ये 3 में से गया, कितना हो जाएगा, 2, और ये कट जाएगा 20। अब 20√, अब गुना करेंगे 20√3 में, अगर हम √3 से गुना करेंगे तो ये तो 3 में बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, बीती 60 हो जाएगा। चलिए 60 लिख दिया। फिर प्लस, 20√3 में हम +1 से करेंगे तो ये तो 20√3 ही आएगा, तो 60 तो ये हो गया। प्लस 20√3 का मान कितना होता है, 1.732। अब आप जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 34 पॉइंट जो है कितना, 64 यानी 64 आएगा, और इधर 60 है ही तो जोड़ने पे कितना आएगा, 94.64 जो है हमारा राइट आंसर होगा। कितना, 94.64। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है 94.64 यानी लगभग कितना, लगभग 95 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा।